नेचर सीक्रेट किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम विंटर स्पेशल रेसिपी बनाएंगे। आज हम गुड़ बाजरे से पोहा बनाएंगे। इसको हम गुड़ बाजरे का चूरमा भी कह सकते हैं। इसमें हम घी की मात्रा कम डालेंगे और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगा। इसके लिए हमें जिन सामग्री की आवश्यकता होगी वो इस प्रकार है। 1 कप बाजरे का आटा, 1 कप गुड़, 1/4 कप गुनगुना पानी, 1/4 कप घी, कटे हुए मेवा, भुने हुए सफ़ेद तिल, गुलाब की पत्तियाँ। इसमें हम कसा हुआ नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाजरे का आटा लगाने के लिए हमें गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करना है। इससे हमारा आटा फटता नहीं है और बहुत ही अच्छा हमारा डो बनके तैयार होता है। मेरे पे यहाँ पे साबुत बड़ा गुड़ है, इसको मैं चक्कू की सहायता से पील कर रही हूँ और इसके पतले पतले लच्छे तैयार कर रही हूँ। यदि आप पे गुड़ का पाउडर भी हो तो इस रेसिपी में हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप गुड़ का चूरा भी बना के इस रेसिपी में डाल सकते हैं। अब सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें बाजरे का आटा ले लेंगे और उसमें 1 टीस्पून घी ऐड कर देंगे और इसे हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे। घी और आटे को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम गुनगुना पानी से इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। सॉफ्ट डो लगाने के बाद इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद इस आटे को अच्छे से मसल कर इसकी लोई तैयार कर लेंगे। यदि ये आटा हाथों में चुपके तो हम पानी की सहायता से इसकी लोइयाँ बना लेंगे। अब इन लोइयों को हमें पूरी के आकार में बेलना है। यदि बेलने में मुश्किल हो तो इसे हम पानी की सहायता से बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि मैं अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ कि मैं पानी की सहायता से इन लोइयों को अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर इसे पूरी का आकार दे रही हूँ। अब हम एक पैन ले लेंगे, उसमें घी अच्छे से लगा देंगे और अब सभी पूरीज को हमें इस पर कुरकुरी होने तक सेकना है। आगे पीछे दोनों तरफ से हम घी लगाएंगे और इन पूरीज को अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। इसकी आंच हमें बहुत तेज़ नहीं रखनी है, इसे हमें मीडियम आंच पर ही सेकना है। और इस तरह से पूरी सेकने में हमारा घी कम लगता है और ये हेल्दी बनता है। अब मेरी पूरी दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं। अब इसे हमें ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसे हम मिक्सर में क्रश करेंगे। अब मैंने मिक्सर जार में अपनी सारी पूरी जो ठंडी हो चुकी हैं उन्हें डाल दिया है और इसका मैं अब चूरा बनाऊंगी। इसको हमें बहुत बारीक नहीं करना है, इसलिए इसे हमें 1 या 2 बार ही चलाना है और ये थोड़ा सा मोटा रहेगा, दरदरा। अब हम उसी घी के पैन में इसे डाल देंगे और इसे फिर से भूनेंगे। इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए गुलाबी रंग का, तब तक इसे हमें भूनना है और इसमें हमें 1 टीस्पून घी भी ऐड कर देंगे जिससे कि ये जले ना और इसका रंग भी अच्छा आ जाए। अब हम इसमें भुने हुए मेवा भी ऐड कर देंगे और अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से धीमी आँच पर भूनना है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देने के बाद इसमें हम अपना गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ हम ऐड करेंगे और इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। गुड़ ऐड करने के बाद इसे हमें छोड़ना नहीं है और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। गुड़ को अच्छे से मिक्स कर देने के बाद इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हम अपने सफ़ेद तिल और गुलाब की पत्तियाँ उन्हें हल्का सा भून कर इसमें ऐड कर देंगे और इसमें हम इसी वक्त कोकोनट भी भूनकर मिक्स कर सकते हैं और इसमें हम इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है बिल्कुल। और हमारा गुड़ बाजरे का चूरमा या पोहा बनकर बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इसमें हमने घी का बहुत कम इस्तेमाल किया है और ये बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के संग भी शेयर ज़रूर कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।